पूरा बरमल एक तरफा जा रहा है जी पूरा। किस तरफ? विपिन गोयल। ओल्ड की मार्केट की बात करें तो बड़ी समस्या है, क्या है ओल्ड की मार्केट की? कोई समस्या नहीं है, हमारी समस्या जो थी पहली बड़ी हुई पड़ी है। पहले ही बढ़िया पड़ी है, नरेंद्र गुप्ता ने काम कराया? उसने कोई काम नहीं कराया। तो पहले तो वही थे विधायक? वो तो विधायक थे पर हमारे मंत्री ये थे। मतलब सत्ता में ना आते हुए भी काम विपुल गोयल करा रहे थे? बिल्कुल हाँ जी। अच्छा, तो इस बार सोच रहे हैं चंडीगढ़ तक? चंडीगढ़ तो बिल्कुल हमारे विपुल गोयल हैं सब चीज़। वो क्या लग रहा है इस बार 89 विधानसभा का क्या माहौल है? ये विपुल जी जीतेंगे जी। विपुल जी हाँ, एक तरफा है वोट बिल्कुल विपुल गोयल। बीजेपी के नाम पे, विपुल गोयल के नाम पर? दोनों के नाम पे, विपुल भी एक अच्छा चेहरा है और बीजेपी तो खैर है ही। विपुल गोयल आएंगे तो काम कराएंगे? बहुत बढ़िया काम कराएंगे विपुल गोयल। क्या परेशानियां हैं ओल्ड की मार्केट की? ओल्ड सारा बढ़िया है, मतलब जो काम कराया पहले 14 में भी आए थे विपुल गोयल ने, अच्छा काम कराया था। एक रात में सड़क बनवाई थी पूरी, सड़क बनवाई थी हाँ जी। शौचालय तो अब भी नहीं है? नहीं, पीछे है मंडी में है। महिलाओं के लिए शौचालय है? वो भी आएंगे तो काम करवाएंगे, अभी तक नहीं है। अब जब मौका मिलेगा तभी तो काम करवाएंगे। बीजेपी की सरकार थी पहले भी, नरेंद्र गुप्ता थे। नरेंद्र गुप्ता थे पर वो उस दूसरी साइड से थे ना, वो 89 से थे। पर क्या है एरिया में नहीं देख पाए, बड़ी विधानसभा बढ़ जाती है ना, इसे नहीं देख पाए। पर ये आने वाला भरोसा है कि विपुल गोयल ही तरक्की करेंगे यहाँ की। नाम बताइए। सर्वेश मित्तल। ओल्ड की मार्केट की बात करूँ तो बड़ी समस्या है, क्या है ओल्ड की मार्केट की? व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग मनमानी पे उतरे हुए हैं बस। कैसी मनमानी? कोई सपोर्ट मिलता नहीं है ढंग से। कैसी मनमानी करते हैं, कौन लोग करते हैं? सबसे ज़्यादा तो सरकार में जो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो उनका कोई ध्यान नहीं है कि कैसी गवर्नमेंट चलानी चाहिए कैसी नहीं चलानी चाहिए। उनका कोई किसी तरीके का योगदान मार्केट के अंदर नहीं है। अच्छा। सफाई पे कोई ध्यान नहीं देते, कोई समस्या होती है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कम्प्लेक्स में चले जाओ, प्रॉपर्टी आईडी के इतने बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं कि दुकान किसी की है और आईडी किसी और की लगा रखी है, नंबर किसी और का घेरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज़ की। ये सबसे बड़ी समस्या। आज भी रिश्वत चलती है? बिल्कुल, सारी रिश्वत के बिना तो काम ही नहीं हो रहा वहाँ पे। पैसे दे के भी लोग सोचें कि हमारा काम हो जाए तो सोचते हैं कि हाँ चलो हमारा काम हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के काम, पूरी तरह से भ्रष्ट है हरियाणा गवर्नमेंट। इस समय 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, जनसैलाब है अभी ओल्ड के मार्केट में आए हुए हैं विपुल गोयल। फिलहाल तो झूठा है ये जनसैलाब, ये मेरे हमारे समझ से बाहर है, दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है जी। अगर विपुल गोयल विधायक बन जाते हैं तो क्या लगता है कुछ समाधान होगा आने वाले समय में? अगर ये बन जाएं कुछ करवाएं तो हम भी इनके गुणगान करेंगे, पर फिलहाल तो बीजेपी के लिए अगर हम सोचें तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव है। नाम बताइएगा। दीपक मित्तल। क्या लग रहा है किसका माहौल है 89 विधानसभा से? देखो जी, सरकार तो कांग्रेस की बनती है, बाकी दोनों में टक्कर है, क्योंकि वो भी बनिया समाज से ही हैं, वो भी बनिया समाज से ही हैं, टक्कर दोनों में बराबर है। हम यूँ कहें कि लखन कुमार सिंगला जी जीत रहे हैं या विपुल गोयल जीत रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों में जीतेगा तो एक ही, लेकिन दोनों की टक्कर बराबर चल रही है। और बात ये सरकार बनने की, सरकार तो देखो कांग्रेस की चल की उम्मीद उसी की लग रही है कि भाई लहर, एक लहर होती है, जैसे 10 साल पहले बीजेपी की लहर चली थी, बीजेपी होती तो अब क्या ऐसे ही कांग्रेस हो रही है। और बाकी दो हैं 89 के अंदर में, देखो कौन जीतेगा। इस बार बदलाव होगा? देखो बदलाव तो बिल्कुल होएगा, होगा बिल्कुल होएगा। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे फरीदाबाद के अंदर सरकारी हॉस्पिटल था, एक छोटा सा अनाज मंडी के अंदर, 10 साल सरकार रही ठीक है, विपुल गोयल जी के टाइम के अंदर वो टूटा। चलो कोई बात नहीं, किसी कारण की वजह से उनको टिकट नहीं मिली, वो उनके उनका मैटर है आपस का ठीक है ना जी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का ही आदमी तो बन के आया विधायक, चाहे नरेंद्र गुप्ता हुआ चाहे कोई भी हुआ, तो भी उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। उसका क्या रीज़न रहा ये तो पता लगे ना, उसका क्या रीज़न रहा भाई? या तो ये होता कि भाई 2019 के अंदर सरकार चेंज हो गई थी, कांग्रेस की चोटा लग गया आ गई थी भाई, हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं बन पाया, विपुल गोयल को हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की रही ना मैम। ऐसा तो है नहीं कि बजट पास नहीं हुए, और उसका बजट तो मेरे हिसाब से जैसे सुनते हैं कि भाई बजट तो जिसने रिबन काटा नीम रखी तो बजट तो उसने पास करवा दिया होगा, विपुल गोयल जी ने पास करवाया होगा पक्का। लेकिन बजट के पैसे वैसे मैं यूँ कह रहा कि खा गया नहीं, सरकार में थे वो पैसे होने भी चाहिए, नहीं उस मंदिर उसमें सॉरी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगे अब तक? 5 साल में तो पता नहीं क्या से क्या बन जाता है, ये तो एक हॉस्पिटल ही था। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि सरकार आने के बाद इस हॉस्पिटल को हम 1 साल के अंदर बना देंगे, जो 5 साल से नहीं बना वो 1 साल में कैसे बन जाएगा, आप ये खुद बताइए। आप चुनाव आपका है, सवाल आपके हैं। आए हैं ओल्ड की मार्केट में विपुल गोयल? मैं आए हैं उनको प्रणाम करते हैं, ये नहीं है कि वो हमारे अपने नहीं है, वो भी अपने हैं और लखन कुमार सिंगला जी भी अपने हैं ठीक है ना, आए हैं।
तो उनका लिए वेलकम। बीजेपी से उम्मीद नहीं रही आपको? मैम कैसे रखेंगे ये तो बताओ ना, आप कैसे रखेंगे? आप मेरे हिसाब से रात को आप शायद 10 बजे करीब आना जरूर पक्का। आप सब्जी मंडी से चलना सेक्टर 29 के चौक तक, पथाई मंदिर से चलना, आप आके देखना कितना उजाला है शहर के अंदर, पता लग जाएगी आपको। शौचालय की बहुत खबरें चलती हैं मैडम, इसको तो इस बात को ना छेड़ो तो ज्यादा अच्छा है। इस बात को यदि ना छेड़ो, मार्केट है ओल्ड की मार्केट, तमाम लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, महिलाओं के लिए कोई शौचालय। मेरी मैं एक बात कहूँ, नगर निगम के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ था सुनने में आई थी, ठीक है, इस सरकार के अंदर। बाजार के अंदर एक दुकान की कीमत 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है, एक दुकान की कीमत 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है एक दुकान की कीमत, और नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। माना कि नई सब्जी मंडी से लेके मेहंदी चौक तक जगह नहीं है शौचालय के लिए, सोच के चलो जगह नहीं है शौचालय इन्हें बनाने के लिए, लेकिन जब 200 करोड़ का घोटाला हुआ था तो उसमें 3 करोड़ की दुकान भी तो खरीद सकती है गवर्नमेंट, नहीं खरीद सकती शौचालय बनाने के लिए? ये सवाल है या नहीं आप बताइए। जिस चीज़ में 200 करोड़ का घोटाला हो सकता है उसमें से 3 करोड़ रुपये क्या है? सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं आप बताइए ना, क्या नहीं कर सकती मैडम? यदि मेरा सवाल गलत है और आंसर गलत है तो आप जो जुर्माना कहोगे वो मुझे मंजूर, ठीक है ना। इस बार नाराजगी है बीजेपी, देखो नाराजगी वो तो साफ दिख रही है आपको ना, देखो वो तो आपको साफ। यदि मेरे शौचालय वाली बात गलत है तो आप बताइए, 200 करोड़ रुपये घोटाला हो रहा है घर के अंदर, उसमें 3 करोड़ रुपये निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? आज तक पता ही नहीं चल पाया कहाँ गए वो। हाँ वो तो जी सबको पता होगी जिन्होंने कराए, ठीक है ना जी। अब बात रही कांग्रेस सरकार आएगी और देखो दोनों में से ही जीतेगा, हम तो एक साफ बात कहेंगे, यदि कांग्रेस को उम्मीदवार जीतते हैं लखनऊ कुमार सिंगला जी, लोग ने विश्वास पे जिताएंगे, 5 साल ये काम करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे तो अगले आने वाले 5 साल बाद ये भी बनेंगे, नहीं तो ये भी गायब हो जाएंगे। पब्लिक बनाना जानती है तो हटाना भी जानती है। समझो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधे गोयल। कहाँ के रहने वाले? यही ओल्ड फरीदाबाद से। मार्केट में भी कुछ दुकानें हैं क्या? हाँ मार्केट में हैं। हाँ कैसा माहौल है? माहौल पूरी तरीके आधे 100% विपुल गोयल आएगा। विपुल गोयल के नाम पर या बीजेपी के नाम पर? बीजेपी और विपुल दोनों के नाम पर। इससे पहले भी बीजेपी के विधायक थे? वो तो बिल्कुल बेकार थे, कोई काम नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ नरेंद्र गुप्ता के टाइम पे। तो विपुल गोयल आएंगे तो काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। और बड़ी आप मार्केट में आपकी दुकानें हैं, बड़ा मुद्दा क्या है ओल्ड की मार्केट का? ओल्ड की मुद्दा ये है कि यहाँ पे कोई आदमी किसी को परेशान नहीं करेगा, ऐसा विधायक चाहिए जो पब्लिक को परेशान ना करे। क्या परेशानी होती है, कौन परेशानी? यही है कि दुकानों के बाहर कोई गरीब आदमी कुछ लगा देता है तो दूसरी पार्टी उसे लगाने नहीं देगी। दूसरी पार्टी कौन? दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और भी है तुम्हारी पार्टी लगाने नहीं देगी। हाँ अच्छा। और क्या तो टाइम टाइम पे पब्लिक के लिए बीच में उतरते हैं, कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। जो विपुल की छवि है वो किसी की नहीं है यहाँ पे। 5 साल से विपुल गोयल जी गायब थे, कोई प्रोग्रेस हुआ? कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मोहर लगा दी है इस बार? हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी में। कितने वोट हैं इधर के साइड की अगर बात करूँ तो? बहुत वोट हैं, हजारों की तादाद में। तो एक तरफा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन करीब में है, कुछ ही दिन रह गए हैं और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं एक मेला सा लगा हुआ है, 89 विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है? देखिए अभी तो बराबर है। बराबर की टक्कर किस किस में दिखाई दे रही है? लखन में और विपुल गोयल में। विपुल गोयल जी। अच्छा यहाँ ओल्ड की मार्केट की क्या समस्या है? ओल्ड की मार्केट की देखिए यहाँ 10 साल हो गए बीजेपी को, उससे पहले भी, पर यहाँ रोड देख लो आप मार्केट का कैसा रोड है, इसमें गड्ढे रहे हैं सब, लेकिन कोई भी नेता जीत के आवे, हालांकि पिछली बार भी विपुल गोयल जी ने तो थोड़ा बहुत काम कराया था, लेकिन अदरवाइज जो है ना आप रोड देख लीजिए यहाँ के, जो सेक्टर में जाओगे गली मोहल्ले के अच्छे हैं यहाँ से, तो यहाँ काम ही नहीं हुआ है। नरेंद्र गुप्ता जी विधायक थे बीजेपी से? वो काम ही नहीं हुआ जी, विपुल गोयल पहले जो थे उन्होंने काम किया था, उनके टाइम का ही काम हुआ है जो बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो क्या माहौल लग रहा है कि मतलब इस बार जो अगर विपुल गोयल को वोट मिलते हैं तो विपुल गोयल के नाम से मिल रहे हैं या बीजेपी के नाम से? नहीं जी विपुल गोयल ने काम किया है अपने इसमें। अच्छा। हाँ तो बीजेपी की तो खैर है ही, बाकी विपुल गोयल ने भी काम किया हुआ है इसमें क्षेत्र में, तो उनको अपनी छवि सही है, अदरवाइज विपुल गोयल अगर आपके नरेंद्र गुप्ता तो जीतने का चांस थे नहीं, लेकिन ये सीट निकाल तो ये सीट निकाल देंगे निकल जाएगी जी, इनके चांस हैं,
क्योंकि इनके काम के भी पे काम किया है इन लोगों ने, विपुल गोयल जी ने काम किया है। जो बात है गौरव वर्मा, ओल्ड की मार्केट में दुकान कब से है आप? मैडम अराउंडली हो गए 40-45 साल। 45 साल पहले आपके पिताजी चलाते होंगे दुकान। 2024 चल रहा है, नारे दिए जाते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, कितना विकास हुआ है 89 विधानसभा? मैडम 20% ही विकास हुआ है बस, इसके बाद कोई विकास नहीं है। क्या बड़े मुद्दे हैं ओल्ड की मार्केट के? मैडम सबसे बड़ा मुद्दा तो लेडीज शौचालय नहीं है, लेडीज़ के लिए कोई सुविधा है ही नहीं जी। दूसरा पार्किंग की बड़ी परेशानी है, फिर सड़कें खराब हैं, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं हुआ है। महिला शौचालय है ही नहीं है? महिला शौचालय है ही नहीं मैडम, महिला शौचालय के लिए कोई सुविधा नहीं है, महिला के लिए कोई पर्टिकुलर सुविधा ही नहीं है किसी भी तरीके से। क्या लगता है किसका माहौल है और कैसी, मतलब किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? मैडम माहौल तो बीजेपी का चल रहा है, कहने को तो ये सच्चाई है कि बीजेपी का माहौल चल रहा है, बीजेपी सरकार आ रही है, मोदी सरकार फिर दोबारा आ रही है जी। और कांग्रेस समय मुद्दे में है, साथ साथ ऑप्शन में चल रही है, देखें क्या होता है फिर। चलो नेता कोई भी बने, क्या मतलब चाहते हो कि अब जो समस्या है वो समाधान हो जाए? मैडम कोशिश तो यही है कि ये समाधान होना भी चाहिए। लेडीज शौचालय के लिए सबसे परेशानी सबसे लेडीज को सबसे ज्यादा ये रहती है। दूसरी पार्किंग समस्या बहुत है, मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है इसी चक्कर में कि मार्केट में पार्किंग नहीं है, रोड अपने लोग अपने वाहन के हिसाब से नहीं आते, जाम की बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। तो मेन मुद्दे तो यही है मैम, स्पेशली तो मार्केट की उठाने के लिए तो मेन मुद्दे यही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।